हेलो फ्रेंड, दिस इज आरिफ मलिक हेयर स्टाइलिस्ट। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएम हेयर स्टाइलिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी कलर चार्ट यानी कि इंटरनेशनल कलर चार्ट के बारे में, उसके बेस और अंडरटोन्स के बारे में और कलर रिफ्लेक्शन के बारे में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है बेस कलर और उसके अंडरटोन। तो बेस कलर क्या है? आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल कलर चार्ट। इंटरनेशनल कलर चार्ट तो आप सभी को पता होगा, या नहीं पता तो आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हमारे जो बेस कलर होते हैं, एक नंबर, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ और दस। बेसिकली दस ही नंबर तक बेस सेट होते हैं, और भी होते हैं 11, 12, 13, लेकिन हम सिर्फ 10 नंबर के बारे में ही आज बात करेंगे। तो जो बेस कलर है, नंबर एक है ब्लैक, नंबर दो है डार्केस्ट ब्राउन, नंबर तीन है डार्क ब्राउन, नंबर चार है ब्राउन या मीडियम ब्राउन, ब्राउन या मीडियम ब्राउन, हम मीडियम लिखेंगे। नंबर पांच है लाइट ब्राउन, नंबर छह है डार्क ब्लोंड, नंबर सात है मीडियम ब्लोंड, नंबर आठ है लाइट ब्लोंड, नंबर नौ है वेरी लाइट ब्लोंड, नंबर दस है लाइटेस्ट ब्लोंड, तो ये हमारे बेस शेड है। नंबर एक ब्लैक, डार्केस्ट ब्राउन, बहुत सी कंपनी इसको सॉफ्ट ब्लैक भी बोलती है, बहुत सी कंपनी डार्केस्ट ब्लोंड भी बोलती है, और बहुत सी कंपनी में ये कलर, किसी कंपनी में ये कलर आता भी नहीं, सभी कंपनी दो नंबर कलर नहीं बनाती है। तीन नंबर है डार्क ब्राउन, चार मीडियम ब्राउन या ब्राउन, पांच है लाइट ब्राउन, छह डार्क ब्लोंड, सात मीडियम ब्लोंड या ब्लोंड भी बोलते हैं, मीडियम को मीडियम ब्लोंड या ब्लोंड बोलते हैं, आठ को लाइट ब्लोंड, नौ वेरी लाइट ब्लोंड, दस वेरी वेरी लाइट ब्लोंड या लाइटेस्ट ब्लोंड। इसके ऊपर जो सेड आते हैं वो मल्टी ब्लोंड में आते हैं या एक्स्ट्रा ब्लोंड में आते हैं, 11, 12, 13। तो हम सिर्फ 10 नंबर के बारे में ही बात करेंगे। ये तो थे इनके बेस सेट, अब हम बात करते हैं अंडरटोन के बारे में या अंडरकोड। तो अंडरकोड, एक से चार तक का अंडरकोड है रेड। अब रेड भी कैसे है, जैसे जो ब्लैक है उसमें वेरी डार्क रेड है, तो अब ये बेस सेट है और ये इसके अंडरकोड है। अंडरकोड बेसिकली बालों के अंदर का कलर होता है, जो हमें दिखने से विजिबल नहीं होता, जब हम उनके ऊपर वर्क करते हैं यानी कि हम उनके ऊपर कलर करते हैं तो हमें जब वो दिखता है, कोई भी हम कलर करेंगे तो फिर हमें अंडरकोड दिखाई देंगे, और अंडरकोड अगर हम नहीं समझ पाए तो हम कोई भी कलर अचीव नहीं कर सकते, जो हमारे डिजायर शेड होते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर हम अंडरकोड नहीं समझेंगे। तो अंडरकोड आइए मैं आपको समझाता हूं। तो हमारा एक नंबर का होता है वेरी डार्क रेड, दो में होता है डार्क रेड, तीन में होता है रेड, चार में होता है लाइट रेड, चार में होता है लाइट रेड। तो इन चारों के अंदर रेड है, एक से चार तक जो है
वो रेड अंडरटोन होते हैं, अंडरकोट रेड होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारे वर्जन हेयर होते हैं, बिना केमिकल के बाल होते हैं, जिन पे कभी भी कोई कलर नहीं यूज हुआ हो, उन पे हम रेड कलर करते हैं, तो वो डायरेक्ट क्यों आता है? क्योंकि उनका अंडरकोट रेड होता है। अगर हमने अंडरकोट समझ गए तो हमें कोई भी कलर करना बहुत ही आसान हो जाता है। कलर जो है वो सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस है सैलून लाइन के अंदर। अगर आप समझ गए अंडरकोट के बारे में, बेस के बारे में और रिफ्लेक्शन के बारे में, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो हम बात करते हैं, एक से चार तक रेड है, फिर हम पांच पे जब आते हैं तो इसमें क्या होता है, रेड के साथ ऑरेंज ऐड हो जाता है। रेड पांच, रेड ऑरेंज छह, जब आते हैं तो क्या होता है, रेड कम हो जाता है, ऑरेंज ज्यादा हो जाता है। रेड ऑरेंज हमने क्यों बोला, क्योंकि रेड ज्यादा है, रेड प्राइमरी हो गया, रेड ज्यादा है। लेकिन बाद में क्या होगा, पांच छह नंबर में क्या होगा, ऑरेंज पहले आएगा, रेड बाद में है, क्योंकि ऑरेंज की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई। क्योंकि जब हम छह नंबर तक बालों तक पहुंचते हैं तो क्या होता है, उसमें से रेड कम होता जाता है, येलो बढ़ता जाता है। इसीलिए ऑरेंज में क्या होता है, येलो की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और रेड की कम होती है, इसीलिए उसको ऑरेंज रेड बोलते हैं छह नंबर के अंडरकोट को। फिर सात में रेड बिल्कुल खत्म हो जाता है, सिर्फ ऑरेंज बचता है। इसमें रेड बिल्कुल खत्म हो गया। जब सात नंबर के बाल तक हम आते हैं तो हमारे बालों का जो अंडरकोट है वो ऑरेंज बचता है, रेड खत्म हो जाता है। ऑरेंज में भी रेड है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, अभी हम येलो तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो रेड की इंटेंसिटी थी वो खत्म हो गई, सिर्फ ऑरेंज के अंदर रेड बचा है। जब हम आठ में आएंगे तो हमारा आ जाएगा येलो। यहां पे क्या हुआ, रेड बिल्कुल खत्म हो गया, ऑरेंज के अंदर भी रेड होता है लेकिन येलो में रेड नहीं था, येलो में रेड नहीं होता, तो यहाँ पे सिर्फ येलो बचा है, ना कि ऑरेंज। फिर हम आते हैं पेल येलो, नौ नंबर होता है पेल येलो। टेन नंबर पेलेस्ट येलो, टेन नंबर होता है पेलेस्ट येलो। जब आपको कोई भी फंकी कलर करना हो या ब्लू ग्रीन एस कलर करना हो तो हम कहां तक जाते हैं बालों के अंडरकोट तक, बालों के अंडरकोट कहां तक पहुंचाते हैं, हम पेलेस्ट येलो तक। ये है बालों के अंडरकोट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक नंबर वेरी डार्क रेड, चार नंबर तक रेड होता है, एक नंबर वेरी डार्क रेड, दो नंबर डार्क रेड, तीन नंबर रेड, चार नंबर लाइट रेड। तो चार नंबर तक रेड, जब हम रेड कलर करते हैं तो हम डायरेक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे बालों का अंडरकोट यानी कि बालों के अंदर का कलर रेड होता है, इसीलिए रेड कलर डायरेक्ट आ जाता है। लेकिन हमें उससे ज्यादा अगर बालों को लिफ्ट करना है, ब्राउन, उसमें हमें लाइट ब्राउन, चॉकलेट कलर या ब्लॉन्ड कलर करना होता है, बालों के अंडरकोट को हमें कहां लेके जाना होता है, उसी के लेवल तक लेके जाना होता है जिस लेवल का हम कलर चाहते हैं। तो पांच में रेड ऑरेंज है, रेड कम हो गया है, वैसे ही ऑरेंज रेड है छह नंबर, तो इसमें रेड और कम हो गया है। सात है ऑरेंज, इसमें रेड बिल्कुल खत्म हो गया है लेकिन ऑरेंज के अंदर रेड है, येलो में कोई रेड नहीं है, सिर्फ येलो बचा है आठ नंबर में, नौ नंबर पे पेल येलो, दस नंबर पे पेलेस्ट येलो। तो ये तो थे आईसीसी कलर चार्ट के बेस कलर और अंडरटोन। आप लोगों को समझ में आया होगा कि आईसीसी क्या है, यानी कि इंटरनेशनल कलर चार्ट क्या है, और उसके बेस कलर क्या है और उनके अंडरकोट क्या है। तो बेस कलर एक से दस तक जितने भी बेस कलर होते हैं वो बेस होते हैं, उनके अंदर का जो कलर होता है वो अंडरकोट या अंडरटोन होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है उन तक इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।